सोनिया गांधी को कांग्रेस अध्यक्ष बनाए जाने के बाद बीजेपी ने चुटकी ली और बीजेपी के आईटी सेल प्रमुख अमित मालवीय ने पार्टी के भीतर वंशवाद को लेकर हमला बोलते हुए ये 7 सेकंड का वीडियो ट्वीट किया। तुम लोग जिंदगी भर माँ बेटे की गुलामी करते रहोगे। बीजेपी शुरू से ही कांग्रेस में अध्यक्ष की चयन प्रक्रिया को ड्रामा बता रही है। अब जब CWC ने 12 घंटे की मैराथन बैठक के बाद सोनिया गांधी को कांग्रेस का अंतरिम अध्यक्ष बना दिया है तो बीजेपी को फिर मौका मिल गया है। CWC की बैठक में राहुल गांधी से अध्यक्ष बने रहने की अपील की गई, लेकिन राहुल गांधी इसके लिए तैयार नहीं हुए। फिर 5 समितियां बनाई गईं और दोबारा रात को करीब 8:30 बजे CWC की बैठक हुई। बैठक में सर्वसम्मति से सोनिया गांधी को अंतरिम अध्यक्ष बनाने का प्रस्ताव पास किया गया। राहुल गांधी के इस्तीफे के बाद कांग्रेस में अध्यक्ष पद खाली था और पार्टी ने एक बार फिर से अपने सबसे भरोसेमंद नेता सोनिया गांधी पर भरोसा किया। इसके बाद बीजेपी आईटी सेल प्रमुख अमित मालवीय ने कांग्रेस पर पार्टी के भीतर वंशवाद को लेकर हमला बोला और 7 सेकंड का वीडियो ट्वीट किया। अमित मालवीय ने 7 सेकंड के इस वीडियो में 2017 में आई फिल्म इंदु सरकार का एक डायलॉग शेयर किया। इसमें पार्टी को नेहरू गांधी परिवार के बीच सिमटे रहने को लेकर निशाना साधा गया है।